नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक में। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मिडकैप स्टॉक्स के लिए, जिसमें शामिल है रेन इंडस्ट्रीज, ग्रेफाइट इंडिया, रेडिको खेतान, एसोसिएटेड कॉल, वीआईपी इंडस्ट्रीज, ऐसे एक नहीं दो नहीं बल्कि 111 स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये न्यूज़ क्या है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हुए कि अभी मार्केट बहुत ही प्रेशर में है और अभी जो फॉल आया हुआ है वो NBFC के कारण आया हुआ है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के कारण आया हुआ है। लेकिन कुछ महीने पहले, लगभग 5 महीने पहले, जब BSE-NSE ने बहुत सारे कंपनियों को ASM लिस्ट में डाल दिया था, तो जब से ASM लिस्ट में ये कंपनियाँ गई थी उससे क्या हुआ, उसके बाद इन कंपनियों का शेयर प्राइस में बहुत ही गिरावट आई और इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो लगभग डिसपियर हो गया, लोगों का इससे इंटरेस्ट निकल गया। उसके बाद इसमें बहुत ही गिरावट आई है और इन जो भी कंपनियां ASM लिस्ट में डाले गए थे सबका जो सर्किट है वो 5% पे फिक्स कर दिया गया था। और वो जो लिस्ट है उसमें से 111 कंपनियों को अभी बाहर निकाला गया है। BSE-NSE ने अनाउंस किया है कि 111 कंपनियों को अपने ASM लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उसका सर्किट अभी भी 5% ही है क्योंकि अभी ये अनाउंसमेंट नहीं आया कि उनका सर्किट में कुछ चेंजेस है। तो ये जो एक्सक्लूजन हुआ है ASM लिस्ट से, ये इफेक्टिव होगा ट्यूसडे से, 30 अक्टूबर से, मंडे से नहीं, 30 अक्टूबर से ट्यूसडे से होगा। मंडे को हो सकता है कि अभी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो क्योंकि उसके लिए फुल मार्जिन मनी चाहिए, लेकिन ट्यूसडे से आप मार्जिन मनी पे भी आप खरीद सकते हैं। तो ट्यूसडे से मेन वॉल्यूम उसमें आएगा। पीछे का हिस्ट्री देखें कि फिनोलेक्स, कैमकल, बैंकी को अगर देखें तो जैसे ही ASM लिस्ट से बाहर निकलते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी खरीदारी आती है और शेयर प्राइस बहुत ही भागती है। तो ऐसे ही अगर ग्लोबल मार्केट वीक नहीं हुआ तो ये जो 111 कंपनियों के शेयर जो ASM लिस्ट से बाहर आए हैं इसमें एक अच्छी पुलबैक आएगी और ये पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है इसमें से कुछ तो हो सकता है मार्केट ओपन होते ही अपर सर्किट में चला जाए। इन माई ओपिनियन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीक में, एक वीक के अंदर आपको आराम से 20-30% रिटर्न दे सकते हैं, जिसमें कि कुछ नाम है जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, रेन इंडस्ट्रीज। इस पर आपको मालूम है कि इस पर पहले पेट कोक बैन का इशू था, उसके कारण भी इसमें गिरावट आई हुई थी, ASM लिस्ट में गया उसके बाद ही गिरावट आई। तो अब पेट कोक बैन का जो इशू था वो सॉल्व हो गया और जैसे ही जब जजमेंट आया था तो उसके बाद इसमें कई दिनों तक 5% का अपर सर्किट पे था। लास्ट फ्राइडे भी 5% के अपर सर्किट पे था, हालांकि क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा नीचे आ गया था और ये 200 क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अब जब ये ASM से बाहर आ गया है तो अब बहुत ही आराम से 200 पॉइंट भी क्रॉस करेगा और हो सकता है कुछ दिनों तक, अगर इसका सर्किट 5% से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो 5% के अपर सर्किट पे भी कुछ दिन चल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक रेडिको खेतान, इसका Q1 और Q2 का जो रिजल्ट था बहुत ही अच्छा था और इनका ब्रांड वैल्यू भी है। तो ये और कुछ राज्यों में जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं उस समय लिकर का डिमांड भी बढ़ेगा, तो उसको देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि इसके शेयर में भी अच्छा पुलबैक आएगा। और नेक्स्ट है एसोसिएटेड अल्कोहल, हालांकि ये बहुत दिन पहले ही ASM लिस्ट से बाहर आ गया था, लेकिन जो मिडकैप का गिरावट था उसके साथ इसमें भी थोड़ा करेक्शन आया है। लेकिन अब जब मिडकैप बहुत सारे शेयर्स जो ASM से बाहर आए हैं तो एक मिडकैप में एक रैली आएगी और उस रैली के साथ साथ ये इसमें भी बहुत अच्छा सा जंप आएगा। ये आराम से 300-325 कुछ दिनों में क्रॉस करेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है और एसोसिएट अल्कोहल का सबसे ज़्यादा सेलिंग जो होता है मध्य प्रदेश में ही है, तो इसका भी एक फ़ायदा मिलेगा। तो आने वाले दिनों में एक के लिए एक बहुत ही अच्छा पिक होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ VIP इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत दिन में ASM में रहने के बावजूद भी इसने एक 52 वीक का हाई बनाया था, लेकिन फिर कुछ मिड कैप में जो अभी गिरावट आई उसके साथ साथ इसने ये भी नीचे आ गया था। तो इसमें भी एक बहुत ही अच्छा पुलबैक आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी एक लगभग हाई प्राइस पर चल रहा है। तो इसमें आप ट्रेड करके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेरा फेवरेट स्टॉक है ग्रेफाइट इंडिया, जिसपे कि मंडे को 29 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आने वाला है, जो उनका बेंगलोर प्लांट में जो पॉल्यूशन का इशू था उस पर आने वाला है, उसके वजह से इसमें थोड़ा सा अभी कुछ दिनों से अभी गिरावट आई है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस पर बहुत बड़ा पेनाल्टी लगाए। तो अभी ये ASM लिस्ट से बाहर आ गया, एक बड़ा न्यूज है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं दिया तो ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा यहाँ से भागेगा
और बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है ये। तो इसमें आपको देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंडे को क्या आता है, इस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। अदरवाइज ये भी एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है और ये सब लिस्ट से अभी बाहर चुका है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, जो कि एस एम लिस्ट से बाहर आ गया है, तो इसमें ट्रेडिंग करके आप अच्छे फायदा कमा सकते हैं, लोग इसमें बना सकते हैं। जिसमें कुछ नाम है अफेक्स फ्रोजन फूड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बटरफ्लाई, गांधीमती अप्लायंसेस, देन नेटवर्क, इमामी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल स्प्रिट, GM बेवरेज, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, हिंदुस्तान फूड, आईयूएल केमिकल, वी मार्ट, जैसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि ट्रेडर्स का पिक अच्छा पिक है, जो कि ट्रेडर्स के लिए अच्छा है। और ये एसएम लिस्ट से बाहर आ गया, इसका एक ये सब एसएम से बाहर आने के बाद इसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है और इसके ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। लेकिन ये जो 111 कंपनियां एसएम लिस्ट से बाहर आए हैं, उसमें से कुछ कंपनियां ऐसा है जो मैं उसको एवॉइड करूंगा, मैं उसे एवॉइड करना चाहूंगा, जिसमें है कि बॉम्बे डाइंग है, इंडिया वुल वेंचर है, रिलायंस नेवल है, मर्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, JP इंफ्राटेक और आलोक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स है जिसको मैं एवॉइड करना चाहूँगा। और इसमें बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे हैं जिसके प्रमोटर्स और मैनेजमेंट में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहा है, तो उस पर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक्स अभी अच्छा है ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जो ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इमिडिएटली इन्वेस्ट करना मत स्टार्ट कर दीजिए। आप बोरो करके इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, जो आपके पास सेविंग है वो उसी से इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे ही आपको 10% 20% 30% इसमें अगर प्रॉफिट होता है, तो आप इसमें आराम से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी भी हो सकता है कि आगे थोड़ा वोलेटाइल रहे, तो इसको ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड करना है। और आपको मैं दिखा दूँ कि जो 111 कंपनियाँ कौन कौन से हैं, उसके लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग से aajtak.com पे भी आप जाके लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से 111 कंपनियाँ हैं जो कि एसएम लिस्ट से अभी बाहर आई है। बहुत सारे अच्छे कंपनियाँ हैं इसमें। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम की चीज़ है। आप इसमें से आप कंपनियों का लिस्ट में से देख सकते हैं आपके जो सिलेक्टेड कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं ये सब लिस्ट से बाहर आई है। उसमें आप अगर आपको अच्छे से पता है इस कंपनियों के बारे में, तो आप उसमें अभी आप ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।